नमस्ते, मैं संधु शुक्ला लक्ष्मी नगर से आई हूँ और मैंने यहाँ से आज थर्ड रेकी लेवल और मास्टरशिप ली है और आगे मैं ग्रैंड मास्टर भी लूँगी क्योंकि मुझे रेकी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे हैं। वो रेकी एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी वजह से लाइफ में चेंजेस आते हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें फील की हैं और यहाँ भी मैंने आज बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें फील की हैं और बहुत कुछ सीखा है मैंने और सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि ये होती हैं नहीं होती हैं, क्या प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो आज आपने कौन सा लेवल सीखे हैं? मैंने आज थर्ड लेवल और मास्टरशिप ली है यहाँ से। दोनों एक साथ करें आप? हाँ जी। तो आपको क्या अनुभव हुए जब सर ने आपको बताया सिखाया? सर ने मुझे सिखाया अलग ही चीज़ों को करने की पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हम किसी चीज़ से थक चुके हैं, हार चुके हैं, कि अपने आप को लेट डाउन समझते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, या ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्प मिली है मुझे आज सर की बातों से और इससे रेकी से, तो मुझे तो रेकी के बहुत सारे प्रॉब्लम ठीक हुई हो, कोई आपके जीवन में समस्या रही हो वो ठीक हुई हो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें खुद को लेके मैं पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में डिप्रेशन में थी बट अभी लाइफ की 75% प्रॉब्लम्स तो स्टेबल हो गई है जो भी थी, तो वो काफ़ी हद तक सही हो गई है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अपनी जी रही है और अच्छे से दूसरों को भी इस चीज़ को मतलब रेकी को आगे बढ़ाने की वो दे रहे हैं वो लोग भी कि हाँ रेकी अच्छी चीज़ है, ब्लड नहीं फॉर्म करता और करता भी है तो वो पानी में बदल जाता है। अच्छा, तो इस चीज़ के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन रेकी ने इसके लिए भी काम किया, रेकी की एनर्जी ने काम किया। तो उनका थैलेसीमिया रेकी से ठीक हो गया। आपका कोई आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत प्रॉब्लम थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें ठीक हुई हैं पापा के ट्रीटमेंट से लेके, पापा की भी एक दो बारी मैंने की है हीलिंग दी है। मेरे पास मेरे भाई की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है, इंटरव्यूज़ में और उसके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हुई है और वो अच्छे से जॉब कर रहा है। और एक दो फ्रेंड्स मेरी और हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैंने उनको रेकी की हीलिंग दी वो भी पहले से नॉर्मल है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर होती है लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं और उस इस चीज़ की हेल्प से हम उस चीज़ को अपने पॉजिटिव रेस पॉजिटिव चीज़ों को अपने अपने लाइफ में लाते हैं और वो फिर काम करती है जी। ये निगेटिव तो कुछ निगेटिव आप किसी भी चीज़ को निगेटिव लेके सोचोगे तो वो हर चीज़ निगेटिव है, तो मुझे तो रेकी की कोई भी निगेटिव पॉइंट्स नहीं लगते, सिर्फ पॉजिटिव ही लगते हैं। और मैं रेकी वही मैं डिप्रेशन में रहती थी हमेशा लेकिन हेल्प मिली है मुझे, मैंने ले ली है, ग्रैंड मास्टर भी लूँगी मैं जी जी। हाँ, ग्रैंड मास्टर भी लूँगी, मैंने सोचा कि मैं रेकी पूरी तरीके से रेकी सीखना चाहती हूँ, ये नहीं है कि मैं सिखा के पैसे कमाऊँ या कुछ भी, मतलब जो यही चीज़ आपके पास वो पूरी अच्छे तरीके से सिंबल्स भी मिले और मुझे यहाँ से क्रिस्टल्स के भी नॉलेज मिले हैं, मुझे पता नहीं था क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, मैंने यही पहली बार सीखा है और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में ट्राई करूँगी, देखूँगी। मुझे सर ने एक क्रिस्टल गिफ्ट किया है और काफ़ी कुछ हेल्प की है मेरी, तो उसके लिए मैं सर के लिए सर को थैंक यू सर जो आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया और मुझे मास्टर लेवल तक पहुँचाया।